अगर आप तंग आ चुके हैं खा खा के मटन भुना, तो फिर आज ही बनाए ना मटन कुन्ना। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनास फूड वैली, वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ मटन कुन्ना की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि भट्टों की स्पेशलिटी है। और जैसे कि आपको पता है भट्टों में दो ही स्पेशलिटी पाई जाती है, एक तो वो खूबसूरत होते हैं और खाने के शौकीन होते हैं। तो आज मैं आपके साथ भट्टों की स्टाइल में मटन कुन्ना की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही टेंडर और जूसी बनके तैयार होगा हमारा मटन। तो चले फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे मटन ले लिया, और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मिट्टी की हांडी है, क्योंकि मटन कुन्ना जो है वो हांडी में ही बनाया जाता है रवायती तरीके से। उसके अलावा जो मैंने मटन ले लिया ये 2 kg है, और इसकी बोटियाँ मैंने थोड़े से बड़े साइज़ की रखवाई हैं इस तरह से, क्योंकि कुन्ने में रवायती तौर पर जो है बड़े बड़े ही बोटी के पीस डाले जाते हैं, और उसके अलावा ये मिट्टी के बर्तन में ही बनता है। उसके बाद जो मैंने बेसिक मसाले ले लिए हैं, उसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, जिन्हें मैंने ना ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा मोटे लच्छों में कट कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 1 teaspoon नमक है, 1/2 tablespoon यहाँ पर मेरे पास हल्दी है, उसके अलावा 1/2 tablespoon यहाँ पर भुना हुआ जीरा था उसका मैंने पाउडर ले लिया, उसके अलावा 1 tablespoon मेरे पास रेड चिली पाउडर ले लिया, उसके अलावा 4-5 यहाँ पर मेरे पास मोटी मिर्चें हैं इस तरह से, और 1 tablespoon यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला है, उसके अलावा 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट है, और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाले हैं, 3 बड़ी इलायची हैं, 4-5 लौंगे और 2 छोटी इलायची हैं। बड़ी इलायची से गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और 2 tablespoon यहाँ पर मेरे पास गेहूँ का आटा है, जो हम आम रेगुलर यूज़ करते हैं वो आटा है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। तो यहाँ पर जो मैंने हांडी ली थी उसके अंदर सबसे पहले हम प्याज ऐड कर देंगे इस तरह से, प्याज शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे हम 1 cup घी का। मटन कुन्ना जो है वो घी में ही अच्छा बनता है, तो आपने ऑयल यूज़ नहीं करना, घी में ही ये सारी रेसिपी हम तैयार करेंगे। अब मैंने इसको चढ़ा दिया चूल्हे पे, और अब हम प्याज सॉफ्ट होने तक इसको हम कुक कर लेंगे। प्याज को आपने कोई कलर नहीं लाना, सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक आपने कुक करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज जो है हमारा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे प्याज जो है अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे, कि भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ताकि जो लहसुन के कच्चेपन की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए, और प्यारा सा जो है ना हमारा अदरक लहसुन भुन जाए। तो यहाँ मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर रही हूँ। जब तक मैं भुनाई कर रही हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखें जी अदरक लहसुन भी भुन चुका है, तो अब जो मैंने गोश्त लिया था वो इसमें डाल देंगे इस तरह से। और इसका कलर चेंज होने तक इसकी कर लेंगे अच्छे से हम भुनाई, ताकि इसका जो कलर है वो बिल्कुल वाइट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और मटन का जो कलर है वो रेड से वाइट में चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, ये देखें। ये है तो टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी, क्योंकि ये इतना टेस्टी, इतना टेंडर और जूसी बनके तैयार होगा कि कोई भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो जी अब मटन का कलर हो चुका है चेंज, तो अब हम इसमें अपने जो सारे मसाले हमने लिए थे वो ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये एक बहुत ही रवायती सी डिश है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली डिश है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होता है। आगे बड़ी ईद आ रही है, तो बड़े ईद के मेन्यू में आपने ये मटन कुन्ना की रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा और सारे मेहमान बहुत पसंद करेंगे। अब सारे मसाले डालने के बाद इसकी कर लेंगे हम अच्छी सी भुनाई, ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसमें टमाटर का पेस्ट नहीं डलेगा, टमाटर नहीं डलेंगे, उसके बगैर ही ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के रेडी होगा। मिट्टी का बर्तन और खाना अच्छा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 से 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई की थी और इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखें गोश्त ने काफ़ी हद तक जो है ना पानी छोड़ दिया। इसको 5 से 10 मिनट हम इसी तरह खुले मुंह से पकाएंगे और मसाले की अच्छी सी भुनाई करेंगे, ताकि मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। उसके बाद हम इसको जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देखें गोश्त ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया, हमने इसी पानी में इसको अच्छे से पहले भूनना है, ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और जो है हमारा गोश्त का मसाला अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसकी अच्छी खासी भुनाई हो चुकी है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है ना इस पॉइंट पर पानी शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने इस पे तकरीबन 2 से 2.5 glass पानी डाले हैं, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको पकने के लिए तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे कवर करके, ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए, और फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे।
तो जी यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट हल्की आंच पे पकाया है और 45 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छा सा जो है ना वो गल चुका है और बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है और मसाला भी बहुत खूबसूरत खुशबू दे रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है बन के रेडी हो चुका है। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी ग्रेवी बन के रेडी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो हमने आटा लिया था इसमें हमने डालना है पानी और एक पतला सा लिक्विड रेडी करना है। पहले इस पर थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर थोड़ा सा और पानी डाल के इसको बिल्कुल पतला सा जो है ना हमने स्लरी सी रेडी करनी है इस तरह से। और जो हमने रेडी किया हुआ आटे का मिक्सचर है वो हम अब इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने हीट बिल्कुल लो कर दी है क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे ये आटे का मिक्सचर डालेंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी। आपने हीट को बिल्कुल स्लो कर देना, उसके बाद ये मिक्सचर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करना है इस तरह से। जब आपको लगे कि ये मिक्सचर अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो गया है तब आपने आंच तेज़ करनी है और इसकी 10 से 15 मिनट अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि आटे का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे और अच्छा सा हमारा जो है ना मसाला बनके रेडी हो। अब इसमें साथ ही हमने जो मोटी साबित मिर्चें ली थी वो इस तरह से डाल देंगे, इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया था आधे से ज़्यादा इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा चुटकी बराबर हम लास्ट के लिए रखेंगे। गार्निशिंग में इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसकी कर लेंगे अच्छी सी भुनाई। यहाँ पे जो मैंने आटे की स्लरी बनाई थी वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको कर देंगे हम कवर और आंच को कर देंगे तेज़ और 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मेल आ रही है और बहुत ही टेस्टी सा जो हमारा मटन कुन्ना है वो बन के तैयारी की तरफ है। तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट पे मसाला बचा के रखा था वो डाल देंगे और जो सब्ज़ मिर्चें और बारीक बारीक अदरक के स्लाइसिस और धनिया काट के रखा था इस तरह से वो भी इसमें डाल देंगे और इसको कर देंगे इससे गार्निशिंग। फिर इसको दे देंगे 5 मिनट का दम और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा मटन कुन्ना बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी सा हमारा मटन कुन्ना बन के रेडी हुआ है बिल्कुल बटों के रवायती स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ईद आने वाली है, अपने ईद पे मेहमानों के लिए बनाएं, इंशाल्लाह उन्हें ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही टेंडर, बहुत ही जूसी, ज़बरदस्त सा हमारा मटन बन के रेडी होगा और इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं आपको मटन की जो है ना टेंडरनेस चेक करवाती हूँ। ये देखें बिल्कुल मलाई की तरह बनके सॉफ्ट बनके हमारा जो है ना मटन रेडी हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना ज़बरदस्त है। धीमी आंच पे पका हुआ ये मटन है, इसके अंदर आपको हर चीज़ का फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होगा। रेसिपी ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी खास दुआओं में मेरे चैनल अनायास फूड वैली को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाज़त और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।